प्याज व्याज कट गया है, सुमित पानी दे। खेतों में खाने का आनंद दिखा कर मैगी के लिए प्याज काट रहे हैं। चाकू बिल्कुल काम का नहीं है, फिर मैं इतना महीन काटने की कोशिश कर रही हूँ। जी जिसको मैगी खानी है संपर्क करें, होम डिलीवरी है, जोमेटो और वो नहीं, पहाड़ी लाइफ स्टाइल में मिलेगा जो भी चीज मिलेगा। मैगी पॉइंट। और इसके कुक कौन है? कुक है इनके सुमित बेलवाल, वो वहाँ चूल्हे में आग जला रहे हैं बिना माचिस के। और अब मैगी बनाएंगे, मैगी बनाएगा हमारा छोटा भाई, वो बहुत अच्छी मैगी बनाता है, बहुत शानदार मैगी बनाता है, तो हम लोग शानदार कटिंग भी करी है। और तो हम लोग आज देखते हैं कैसा लगता है हमको खेत में बैठ के खाने में। एक हम लोग छोटी सी पिकनिक टाइप की हम यहाँ पर मना रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ इसको एंजॉय करिए। तो गाइस हमारे मसाले भून रहे हैं, अभी हमने डाले शिमला मिर्च, प्याज और मिर्च, अभी डालेंगे हम टमाटर। थोड़ा पहले इनको कौल लेते हैं, भून लेते हैं। ये है अभी हमारे कुक हैं मामा, तो देखिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे भून लिए हैं मसाले मैगी के और मिर्चे कर लिए हैं अलग। अच्छे नमक डाल इसमें, यह नमक सब डाले, थोड़ा नमक जिससे मसाले अच्छे से भून जाए, सब है। अब ये डाल दी है अपने इसमें मैगी और पानी डाल दिया है, और सभी लोग बैठे हुए हैं। ये लगभग हमारी मैगी जो है रेडी हो गई है। इधर ही होगा, देखो पहले एक फाइनली हमारी बन गई है मैगी, हो गई रेडी, और ये चूल्हे में लगी आग, आग जलाई हुई थी। ये देखो मैगी बन गई है और सब खा रहे, खाना शुरू हो गया है। और देखो खाने के लिए हमने बिल्कुल कितनी अच्छी प्लेट बनाई हुई है। तिमुल के पत्ते होते हैं जिनमें अक्सर जो हमारे शादी ब्याहों में भी काम होते हैं, छोटे छोटे पूजा पाठ में भी काम लगते हैं। और इधर बैठे हैं मम्मी पापा, कैसी हो रही है आग का तो टेस्ट ही कुछ और होता है, और बाहर खाने का तो मजा ही कुछ और है। ले ये आधी कटोरी लो इसको पहले। चलो अब यहाँ पर को कोल्ड ड्रिंक दी जा रही है, हर्षित बांट रहा है हमारा कोल्ड ड्रिंक, और दूसरी बार की मैगी बन रही है मेरे बेटे के लिए, बिल्कुल सिंपल वाली, वो बिल्कुल मिर्च मसाला नहीं खाता है। और यहाँ पर सब लोग कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं। अब दूसरी बार की मैगी तैयार हो रही है जो मेरे पापा जी बना रहे हैं बिना मसाले की। गाइस हम लोगों ने खा ली है मैगी, अब हम लोग सोने की व्यवस्था कर रहे हैं, सोचेंगे थोड़ी देर यहीं पर रेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग अपनी घर को जाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय टाटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।